कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ विनोद अरोड़ा आपके साथ अ फूडी गाय। आप मुझे अ फूडी गाय के नाम से जानते ही होंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया वो तो जानते ही हैं, नहीं किया तो कर दो। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो कि हम बचपन में भी खाया करते थे। ये नेशनल भी है लेकिन हम इसको इंटरनेशनल कह सकते हैं क्योंकि जो इसकी कंपनी है वो है फ्रिटोलेस, तो वो है USA में और जो भी उसके प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो इंटरनेशनली ही होते हैं। सो गाइस, आप सब ने नाम तो सुना होगा चीटोस का। हाँ, वही जो हम बचपन में खाया करते थे, छोटे छोटे मसाला बॉल्स। आपने बचपन में तो ज़रूर खाया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन आपने नहीं खाया तो आपके बच्चे ने तो ज़रूर अब खाया होगा, आते हैं अभी भी। लेकिन इसका इंटरनेशनल फ्लेवर कुछ लॉन्च हुआ है जो कि इंडिया में भी आए हैं, उसमें से एक मैंने मंगाया। थोड़ा सा कॉस्टली है तो वो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा है। प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि चीटोज है, फ्रिटोलेस का प्रोडक्ट है, विच इज़ बेस्ड ऑन चीज़ पे ही बनता है ये, तभी इसका नाम चीटोज रखा गया। चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये रहा वो, आप फ्लेवर देख सकते हैं, फ्लेमिंग हॉट करंची। अब देखते हैं ये कितना हॉट है, कितना करंची है, ये तो मैं आपको खोल के अभी बताने वाला हूँ। और प्राइसिंग की बात की जाए तो ये थोड़ा कॉस्टली है। हम बचपन में अभी भी 10-20 रुपए का पैकेट खाते थे मसाला बॉल्स का, लेकिन ये जो पैकेट है मुझे ऑनलाइन मंगवाया है 450 रुपए का पड़ा है और ये लगभग 226 ग्राम का है। ये आप देख सकते हैं 226 ग्राम। और बच्चों में ये बहुत टाइगर मशहूर था उस टाइम पे, आपको याद ही होगा। तो हम लोग खाया करते थे, इसमें शायद कुछ एक वो भी निकला करता था, एक कुछ छोटा सा गिफ्ट, एक टैटू टाइप का या कुछ। तो ये बहुत पहले का बात है और चीटोस नाम से आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस ब्रांड है ये, फ्रिटोलेस का है। और आइए अब इसे देखते हैं कितना क्रंची और कितना स्पाइसी और कितना मज़ेदार है। ये मैजिकल पैकेट को अब खोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके 2-3 फ्लेवर्स और हैं। अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे कि वो भी मैं आपको बताऊँ लेके, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। अदरवाइज़ मैं और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहूंगा जिससे कि आपको भी नॉलेज होते रहे। और चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ओके, आइए खोलते हैं प्रोडक्ट को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रेड हॉट चिली की तरह लग रहे हैं ये, लेकिन खा के बताता हूँ। है तो कुरकुरे टाइप की शेप में, खा के बताता हूँ कैसा है। भाई साहब, पूरा खाने तो रुक जाओ, बता रहा हूँ। तो टेस्ट तो धमाकेदार है और जो फ्लेमिंग हॉट लिखा है उस हिसाब से इतना स्पाइसी नहीं लग रहा, लेकिन खाने में जो टेस्ट आ रहा है वो एकदम चीटोज है। अब कोई मजाक तो है नहीं, तो अच्छा ही आ रहा है, मन कर रहा और खा लो। तो ऐसे ही आपको मन करेगा कि आप और खाते जाओ। ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है और लाइट है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है, बच्चों में वैसे ही पॉपुलर था। अब आप ये लेके देखोगे तो आप निराश नहीं होगे। बट हाँ, मुझे हो सकता है कि बाहर के लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो उनको स्पाइसी लगता होगा, लेकिन जो इंडियंस हैं मुझे नहीं लगता कि उनको इतना स्पाइसी ये लगेगा प्रोडक्ट। और इंटरनेशनली है लेकिन ये मिल रहा है अभी आपके लिए, ऑनलाइन मिल रहा है अमेज़ॉन पे। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। बाय, होप यू गाइस एंजॉयिंग योर लाइफ। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ घर और मैंने अपनी सिस्टर को दिया ये चीटोस खाने के लिए। और चीटोस जो है इसके हाथ में और ये, हाँ अब ये खा रही है। तो मैं पूछूँ इससे कि कैसा लगा, बताओ कैसा लगा। ठीक है, मतलब इसमें ना थोड़ा टेस्टी है बट स्पाइसी है, इसमें लास्ट में स्पाइसी बन आता है। और वैसे इसमें ये कलर पता नहीं क्यों आ रहा है। गाइस, इसमें थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि कलर आ रहा है। अब ये हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल वैसे टेस्ट सही है और स्पाइसी मेरे ख्याल से इतना नहीं है स्पाइसी। लास्ट में है बस लिटिल बिट।